नमस्कार, डीडी डिलाइट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। सबसे पहले बात करेंगे पौराणिक धारावाहिक श्री कृष्णा की। धारावाहिक श्री कृष्णा में बुधवार को आप देखेंगे कि श्री कृष्ण बलराम को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो गलत लोगों का साथ दे रहे हैं। बलराम कहते हैं कि उन्होंने दुर्योधन को अपना शिष्य मान लिया है और उसे शिक्षा देकर रहेंगे। इधर श्री कृष्ण रुक्मिणी को बताते हैं कि सुभद्रा और अर्जुन का विवाह होना तय है। कन्हैया, दुर्योधन को मैंने अपना शिष्य बना लिया है, परंतु उसकी शिक्षा समाप्त होते ही मैं द्वारिका लौट आऊंगा। यहाँ पल भर भी नहीं रुकूंगा। सचमुच आप कितने भोले हैं ताऊ भैया। औरों की बातों में आकर अपनों को छोड़कर पराए लोगों में निवास कर रहे हैं। आपने कहा था सुभद्रा और अर्जुन का संबंध होगा, परंतु मुझे तो उसके कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। ये संबंध तो अवश्यंभावी है देवी। तो क्या होगा और कैसे होगा अर्जुन और सुभद्रा का विवाह, जानने के लिए देखिए धारावाहिक श्री कृष्णा रोजाना रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। धारावाहिक विष्णु पुराण में बुधवार को आप देखेंगे कि कुमार जय और विजय को श्राप देते हैं कि वो राक्षस बनकर धरती पर जन्म लेंगे। इधर भगवान विष्णु कुमारों से माफी मांगते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर जय और विजय कब श्राप मुक्त होंगे। आप अभी उनसे नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते द्वारपालों? प्रभु अभी विश्राम कर रहे। तुमने अपने अभिमान में आकर हमारी राह रोकी, हमें अपने प्रभु से मिलने नहीं दिया, तुम्हें इसका दंड मिलेगा। हम तुम्हें श्राप देते हैं, जाओ तुम दोनों राक्षस बन जाओ। आपको विष्णु लोक में जो कष्ट हुआ उसके लिए मैं स्वयं आपसे क्षमा मांगता हूँ। हम धन्य हो गए प्रभु। तो क्या होगा आगे, जानने के लिए देखिए धारावाहिक विष्णु पुराण सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे डीडी नेशनल पर। धारावाहिक संकट मोचन हनुमान में बुधवार को आप देखेंगे कि ताड़का सुबाहु और बारीच से विश्वामित्र के दो शिष्यों का अपहरण करने के लिए कहती है ताकि वो संकट मोचन हनुमान को बंदी बना सके। ये बात सदा स्मरण रहे कि हम किष्किंधापति के सेवक नहीं है, लंकापति रावण का एक दूत भी बाली से श्रेष्ठ है। महर्षि विश्वामित्र, यज्ञ में आहुति देना बंद करो और ध्यान से सुनो, तुम्हारे दो शिष्य हमारे बंदी हैं। यदि तुम्हें अपने उन दो शिष्यों से मोह है तो हमसे मिलना होगा। तो क्या ताड़का अपने इरादों में सफल होगी, जानने के लिए देखिए धारावाहिक संकट मोचन हनुमान रोजाना शाम 7 बजे डीडी भारती पर। धारावाहिक शक्तिमान में बुधवार को आप देखेंगे कि गंगाधर और निशा को पता चलता है कि डॉक्टर देसाई का अपहरण हो गया है। इधर गंगाधर और निशा डॉक्टर देसाई को ढूंढते हुए एक खंडहर के पास पहुंचते हैं जहां उन्हें एक शख्स दिखाई देता है। वो डॉक्टर देसाई का अपहरण हो गया। क्या हुआ? वो देखो गार्ड, गंगाधर इसके इस तरह पहरे देने का मतलब है कि अंदर जरूर कुछ गड़बड़ है। बाहर तो था सीमेंट का जलवा और अंदर देखो तो खंडहर का मलबा। गंगाधर, वो देखो कोई बैठा है। तो क्या ये शख्स डॉक्टर देसाई है और क्यों हुआ है डॉक्टर देसाई का अपहरण, जानने के लिए देखिए धारावाहिक शक्तिमान सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। धारावाहिक साईं बाबा तेरे हजारों हाथ में बुधवार को आप देखेंगे कि बंजर जमीन पर फसल नहीं उगने से रघुराम और जानकी दोनों बहुत परेशान हैं। इधर श्रवण पानी लेने के लिए नदी पर जाता है, तभी गांव वालों से रघुराम और जानकी को पता चलता है कि कोई बच्चा नदी में डूब गया है। इस जमीन में फसल नहीं होगी जानकी, हम कितना भी प्रयास कर लें परंतु फसल उगना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ये जमीन बंजर और पथरीली है जानकी, ऊपर से सिंचाई के लिए कोई साधन भी नहीं है, कहां से लाएंगे हम पानी? माँ, पानी खत्म हो गया। अगदेवा, पास ही में एक नदी है, मैं वहीं से पानी लेकर आता हूँ। नदी से पानी भरते वक्त वो नदी में डूब गया। किसकी बात कर रहे हो भाई? जरा हमें भी तो बताओ। हा? हा? किसी बच्चे की? वो ये गांव का नहीं है इसलिए हम उसे नहीं पहचानते। तो
क्या ये डूबने वाला बच्चा श्रवण है और क्या रघुराम और जानकी बंजर जमीन पर फसल उगा पाएंगे, जानने के लिए देखिए धारावाहिक साईं बाबा तेरे हजारों हाथ रोजाना रात 10 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।